हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल पार्ट 3 के बारे में फ्रॉम द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पेरेंटल पार्ट 2 के बारे में एंड पेरेंटल पार्ट 1 के बारे में। तो अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट, गो एंड चेक इट आउट। अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट्स मिले। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंटल्स के बारे में। तो देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है हमारा ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शंस, सेकेंड है हमारा लिक्विड इंजेक्टेबल सिस्टम्स, नेक्स्ट है हमारा लिपोफिलाइज्ड पाउडर्स फॉर इंजेक्शंस, नेक्स्ट है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशंस, नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टेबल इमल्शंस, नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टेबल सस्पेंशन एंड नेक्स्ट है हमारा ऑयली इंजेक्शंस। तो ये जो हमारे 7 टाइप्स के टोटल पेरेंटल्स टाइप्स ऑफ पेरेंटल्स हैं, तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा ड्राई पाउडर्स फॉर इंजेक्शंस। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे ड्राई पाउडर्स फॉर इंजेक्शंस के लिए जो ड्राई पाउडर्स होते हैं वो एक तरीके के डोसेज फॉर्म्स होते हैं जो हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन के बिटवीन, तो उसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सोल्यूशन में या तो सस्पेंशन में। एंड जो हमारे जो इसे हम फिल कैसे करते हैं, जो हमारा ड्रग है उसको हम फिल करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड वायल्स में डायरेक्टली हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड वायल में फिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, सेफिरोक्साइम इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इंजेक्टेबल सिस्टम। तो ये एक तरीके के क्या होते हैं, डोसेज फॉर्म्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, लिक्विड इंजेक्टेबल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिक्विड्स कंटेन करते हैं। तो ये जो हमारे लिक्विड इंजेक्शंस होते हैं स्टूडेंट, इसको हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड करते हैं। इसमें हमें किसी भी तरीके की डाइल्यूएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू नीड हम, अगर हमें ज़रूरत है तो हम डाइल्यूएंट ऐड भी कर सकते हैं या तो हम इसमें ऐड नहीं भी करते हैं। स्टूडेंट, एग्जांपल क्या है हमारे लिक्विड इंजेक्टेबल सिस्टम्स के, बूपी वैकिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा लायोफिलाइज्ड पाउडर फॉर इंजेक्शन। ये ड्राई पाउडर जैसा ही है, इसमें बस लायोफिलाइज्ड पाउडर्स हैं इंजेक्शंस के लिए, एक तरीके के डोसेज फॉर्म है जहाँ पर जो हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारे ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो हमारे लायोफिलाइज्ड पाउडर है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सोल्यूशन में या सस्पेंशन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सेफ्रियाक्सोन इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो ये क्या होते हैं, दे आर नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड के नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं एट 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। इसका वेट कितना होता है, कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, विच इज़ क्लोज टू द कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, जो कि क्लोज होता है ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन वो क्या होता है, होमोजेनस सॉल्यूशन होते हैं। इसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड फेज में डिस्पोज्ड हो जाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, आयरन डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टेबल इमल्शंस। तो स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं ड्रग सब्सटेंसेस के, उसे हम क्या करते हैं, जो हमारे इमल्शन मीडियम होता है, सूटेबल इमल्शन मीडियम, उसमें हम क्या करते हैं, डिसॉल्व या डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे इंजेक्टेबल लिपिड इमल्शंस होते हैं, फॉर डिकेड्स हैव बीन क्लिनिकली यूज एज एन एनर्जी सोर्स फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स बाई प्रोवाइडिंग असेंशियल फैटी एसिड एंड वाइटामिन्स। स्टूडेंट, ये जो हमारे क्लिनिकली हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये एज एन एनर्जी सोर्स हम यूज़ करते हैं। क्यों, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे फैटी एसिड जो हमारे असेंशियल वाइटामिन होते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीसेंट
recent interest in utilizing lipid emulsion for delivering lipid soluble therapeutic agent. ये अब recently हम इसे क्यों use करते हैं emulsions को, जो हमारे जो lipid soluble therapeutic agents होते हैं उनको deliver करने के लिए. Intravenously has been continuously growing due to the biocompatible nature of the lipid based delivery system. IV के द्वारा हम इसे कंटिन्यूसली देते हैं ताकि जो हमारे जो बायो कंपेटिबल नेचर होते हैं लिपिड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम के, वो उसको ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, प्रोपोफोल यूएस. नेक्स्ट क्या है हमारा, इंजेक्टेबल सस्पेंशंस. तो ये क्या होते हैं इंजेक्टेबल सस्पेंशन, ये लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं सॉलिड के, जिसे हम सस्पेंड करते हैं लिक्विड मीडियम में. तो ये तो इसे हम किस में सस्पेंड करते हैं, लिक्विड मीडियम में. तो जो हमारे इंजेक्टेबल सस्पेंशंस होते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, जो हमारे प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ ड्रग्स का होता है, जो हमें अगर हमें किसी ड्रग का प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए होता है तो हम इस पर्पस के बिहाइंड इस ड्रग का इसका यूज़ करते हैं इंजेक्टेबल सस्पेंशंस का. नेक्स्ट क्या है, दीज आर मोस्टली यूज्ड एज सस्टेन और कंट्रोल्ड रिलीज पेरेंटल डोसेज फॉर्म. तो ये हम मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं, एज इन सस्टेंड और कंट्रोल रिलीज पेरेंटल डोसेज फॉर्म्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्या है, जो सस्पेंशन होते हैं यूजुअली हमारे, वो हमें क्या देते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन व्हेन कंपेयर टू एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्शन प्रोवाइड करते हैं जब हम जो हमारा इंजेक्शन है उसे सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं. नेक्स्ट क्या है इसका एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, मिथाइल प्रीडनेसोलोन एसीटेट. नेक्स्ट क्या है हमारा, लास्ट ऑयली इंजेक्शंस. तो स्टूडेंट ऑयली इंजेक्शंस क्या होते हैं, थ्रू द यूज ऑफ ऑयली सॉल्यूशन पेरेंटल कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स कैन बी प्रिपेयर्ड. जो हमारे ऑयली सॉल्यूशंस की यूजेस से तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल्ड रिलीज डोसेज फॉर्म होते हैं उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पेरेंटल कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं. हियर द रिलीज ऑफ ड्रग इज कंट्रोल्ड बाय द ड्रग पार्टिशनिंग इनटू द एक्वस मीडियम फ्रॉम द ऑयली मीडियम, ऑयल मीडियम. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ड्रग का जो रिलीज है उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय ड्रग पार्टिशनिंग. ड्रग पार्टिशनिंग के द्वारा पार्टीशन हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके ड्रग जो पार्टिशनिंग है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ड्रग का रिलीज है उसको कंट्रोल करते हैं. किस में, जो हमारे इनटू जो हमारा एक्वस मीडियम एंड जो ऑयल मीडियम है उन दोनों के जो बिटवीन जो पार्टिशनिंग होता है उसको कंट्रोल करके हम ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट क्या है इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, डाइमर कैप्रोल इंजेक्शन. अकॉर्डिंग टू द डोसिंग, अब स्टूडेंट ये जो हमने टाइप्स ऑफ देखा था कि कितने टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, कितने फॉर्म्स में होते हैं, अब ये क्या है, इसको हम क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डोज के, सिंगल डोज मल्टीपल डोज ऐसे हम इसको क्लासीफाइड करेंगे टू डिफरेंट टाइप में. तो फर्स्ट डोज है हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा टाइप, सिंगल डोज प्रिपरेशंस. तो ये क्यों यूज़ करते हैं हम, इसे हम एक ही बार यूज़ करते हैं, मतलब ओनली वंस हम इसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट केस, सिंगल डोज प्रिपरेशन कंटेन सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ द इंजेक्शंस. ये जो हमारा सिंगल डोज प्रिपरेशन होता है वो सफिशियंट क्वांटिटी, एक जो स्पेसिफिक क्वांटिटी हमें दी जाती है इंजेक्शंस की, उसे कंटेन करता है, वो होते हैं उसमें, विच रेडिली परमिट दी विड्रॉल. जो क्या करता है, जो हमारा विड्रॉल है उसको परमिट करता है रेडिली. नेक्स्ट क्या है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वॉल्यूम स्पेसिफाइड ऑन द लेबल. एंड जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो जो हमारे लेबल होते हैं स्टूडेंट कंटेनर के, उसके लेबल पे जो स्पेसिफाइड वॉल्यूम होता है उतना ही हमें एडमिनिस्टर करना होता है, उतने ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है. नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड मल्टीपल डोज प्रिपरेशंस. तो जो हमारे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो हमारे जो हमारे फॉर्मुलेशंस होते हैं मल्टीपल डोज की जो प्रिपरेशंस होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो एक्सेप्ट इन केस वेयर, जो हमारे फॉर्मुलेशन, जिन ऐसे फॉर्मुलेशन भी होते हैं स्टूडेंट, इन केस ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जो खुद ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है एंटी माइक्रोबियल की, जिनके पास खुद के एडिक्वेट एंटी माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उन्हें उनमें हमें इन्हें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स की.
तो नेक्स्ट क्या है, आफ्टर पार्शियल विड्रॉल, थोड़े से विड्रॉल के बाद जो हमारे जो कंटामिनेशन के चांसेस जो होते हैं स्टूडेंट वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल डोज नहीं है, मल्टी डोज होते हैं फाइव। तो उससे क्या होता है, अगर एक बार हमने एक डोज के लिए एक डोज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दें तो उसके बाद जो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो देयर फॉर जो हम जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं हम, तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी इक्विप्ड होने चाहिए एंड टू एश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द कंटेंट्स। जो हमारा कंटेन है उसको एडिक्वेट प्रोटेक्शन इंश्योर कर सके, उसको एडिक्वेट प्रोटेक्शन दे। इसीलिए हमें क्या करना है, जो अच्छे इक्विप्ड कंटेनर्स होते हैं उसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द मल्टी डोज प्रिपरेशन नॉर्मली शुड नॉट एक्सीड 30 ml। जो हमारा जो मल्टी डोज कंटेंट्स का जो मल्टी डोज की प्रिपरेशन होती है वो 30 ml एक्सीड 30 ml से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए इस लिमिट को, ताकि जो हमारे कंटामिनेशन का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है विथ मल्टीपल पेनिट्रेशन ऑफ क्लोजर्स। जो हमारे क्लोजर्स के जो मल्टीपल पेनिट्रेशन क्लोजर होते हैं उसके रिस्क से बढ़ जाता है, तो इसके कंटामिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो स्टूडेंट ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर हम यूज़ करते हैं जो हमारे पेरेंटल डोसेज फॉर्म होते हैं उनको पैक करने के लिए, एंड जो हमारे ग्लास होते हैं वो ओरिजिनल ग्लास और ओरिजिनल पेरेंटल पैकेजिंग मटेरियल, जो हमारे ग्लास होते हैं वो ओरिजिनल पेरेंटल पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, एंड क्या होता है इनके पास सुपीरियर क्लैरिटी होती है, एंड ये क्या करते हैं जो हमारे पर्टिकुलर मैटर का जो इंस्पेक्शन होता है उसको फैसिलिटेट करते हैं, ईजी करते हैं। अगर स्टूडेंट हम कंपेयर करते हैं ग्लास कंटेनर्स को प्लास्टिक कंटेनर से, तो जो हमारे ग्लास कंटेनर में जो हमने कंटेन फिल किया है, जो हमने प्रिपरेशन फिल की है, वो जो उसके साथ बहुत लेस फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, जो हमारे प्लास्टिक पॉलीमर्स जो भी हमने यूज़ किए हैं यूज़ करते हैं हम, वो कौन से हैं, पेरेंटल पैकेजिंग के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीओलेफिन। नेक्स्ट जो बोथ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ओवर ग्लास। जो हमारे दोनों टाइप्स की जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पॉलीमर जो हम यूज़ करते हैं वो क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीओलेफिन, वो क्या उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है ग्लास का। अगर हम ग्लास के साथ कंपेयर करें तो कौन से हैं उसके एडवांटेजेस, ड्यूरेबिलिटी, ईजियर स्टोरेज एंड डिस्पोजल, रिड्यूस वेट एंड इम्प्रूव सेफ्टी। नेक्स्ट क्या है हमारे एम्प्यूल्स स्टूडेंट। ये जो हमारे एम्प्यूल होते हैं उसे हम सिंगल यूज़ के लिए ही प्रिपेयर होते हैं, मतलब इसे सिंगल यूज़ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं हम, सिंगल यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट क्या है, इसको हम ओपन कैसे करते हैं स्टूडेंट। जो हमारे जो ग्लास की जो नेक होती है वहाँ पर एक स्कोर लाइन होती है नेक पे, तो उसको हम ब्रेक करके जो हमारा एम्प्यूल है उसको हम ओपन करते हैं स्टूडेंट। जब हम हमारे एम्प्यूल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, जो हमारे जो ग्लास के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे जो हमारा प्रिपरेशन है उसके साथ उसमें ऐड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उस तो हमने क्या होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले हमने क्या करना होता है, जो हमारा प्रिपरेशन है उसे हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट है हमारा उसे फ़िल्टर करना होता है, एज देर आर चांसेस ऑफ डिसलोडिंग ऑफ ग्लास पार्टिकल्स ड्यूरिंग एम्प्यूल ओपनिंग। जब हम एम्प्यूल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं डिसलोडिंग के ग्लास पार्टिकल्स के। जो हमारा यूज़ होता है एम्प्यूल का उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये सूटेबल नहीं होते मल्टीपल डोज के यूज़ के लिए। हमने क्या करना होता है, जब हम उसको उसके नेक को ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, तो जैसे हमने पहले बताया कि उसको हमने एडमिनिस्टर करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको फ़िल्टर करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है एंड बहुत सारी सेफ्टी कंसिडरेशंस भी होती हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा एम्प्यूल का जो यूज़ है वो अब रिड्यूस हो गया है, अब बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट। ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जो किस तरीके से क्लोज किए जाते हैं, रबर स्टॉपर की मदद से ये क्लोज किए जाते हैं एंड सील्ड किए जाते हैं एल्यूमिनियम क्रिप की मदद से। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो उसका लिक्विड फॉर्म होता है उसमें स्टेबल नहीं होते सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उसको हम वायल में जो पाउडर फॉर्म होते हैं स्टूडेंट उसमें पैक करते हैं, उसके फॉर्म में हम उसको उसकी पैकेजिंग करते हैं, एंड जब भी हमने उसको यूज़ करना होता है यूज़ करने से पहले क्या करते हैं, स्टेराइल सोडियम क्लोराइड फॉर इंजेक्शन जो होते हैं उसके साथ रिकन्स्टिट्यूट करते हैं उसके यूज़ करने से पहले, एडमिनिस्ट्रेशन से पहले।
नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, जो एम्प्यूल के अगर कंपेयर करें एम्प्यूल्स को हम वायल्स से, तो उसका उसके एडवांटेज क्या है, जो हमारे वायल्स होते हैं वो मतलब मल्टीपल डोज को होल्ड कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम उसमें मल्टीपल डोज को रख सकते हैं इफ इट इज़ फॉर्मुलेटेड विद बैक्टीरिया स्टार्टिक एजेंट, अगर वो बैक्टीरिया स्टार्टिक एजेंट्स के साथ फॉर्मुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट इज ईजियर, जो हमारे प्रोडक्ट का रिमूवल होता है वो इजी होता है एंड हम इजीली हम उसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंटामिनेशन एंड द कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द ग्लास पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग गेट्स एलिमिनेटेड विद द यूज ऑफ वायल्स। अब जब वायल की यूज से क्या होता है, जब हम किसी भी ग्लास के पार्टिकल को जो हमारे प्रोसेस का प्रोसेस होता है ओपनिंग प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, जो ग्लास पार्टिकल्स का जो प्रोडक्ट के साथ कंटामिनेशन होता है वायल्स की मदद से, वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। नाउ जो उसके हमारे वायल्स के ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट, कुछ ड्रॉबैक्स भी है जैसे कि कोरिंग ऑफ रबर स्टॉपर, जो रबर स्टॉपर होता है उसके कोरिंग। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ये भी हो सकते हैं मल्टीपल, बहुत ज़्यादा टाइम हमने विड्रॉ कर लिया उसको, तो उसकी वजह से क्या आते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीफिल्ड सिरिंजेस, तो स्टूडेंट प्रीफिल सिरिंजेस जो हमने डिज़ाइन किए हैं क्यों, जो हमारे क्विकेस्ट एंड कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे प्रीफिल्ड सिरिंजेस होते हैं वो डिज़ाइंड होते हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। स्टूडेंट ये जो हमारे प्रीफिल सिरिंजेस है, इसका यूज़ जो हम इसमें जो ड्रग है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एमरजेंसीज में, जैसे कि एग्जांपल एट्रोपिन एंड एपिनेफ्रिन जो ड्रग है इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं प्रीफिल सिरिंजेस के फॉर्म में, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं एंड मे बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़, ये भी इमीडिएट यूज़ के लिए भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस, ये जो इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे ड्रग या जो हमारा फ्लूइड होता है जिसका इन्फ्यूजन्स होते हैं उसको कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप्स के डिवाइडेड किए गए हैं, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल जिसे हम SVP कहते हैं एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल जिसे हम LVP कहते हैं। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल जो हमारा SVP है उसमें क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 100 ml या उससे कम होता है स्मॉल वॉल्यूम में, और लार्ज वॉल्यूम में क्या होता है स्टूडेंट, जो उसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml या उससे ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंसेस याद रखना ज़रूरी है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसलिए इन सब को अच्छे से मार्क कर लें। तो जो हमारी क्या होते हैं, जो हमारे स्मॉल वॉल्यूम होता है इसमें हमारा जो वॉल्यूम होता है वो 100 ml होता है या तो उससे कम होता है, एंड जो लार्ज वॉल्यूम में जो लार्ज वॉल्यूम में क्या होता है 100 ml होता है या तो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा कार्ट्रिजेस, जो हमारे कार्ट्रिजेस इंजेक्शन सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वीनियंट एंड इजीली हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसे मेथड होते हैं, ये क्या होते हैं, मेथड होते हैं इंजेक्शंस के, ये क्या कहते हैं, जो हमारा स्टरिलिटी एंड एक्यूरेसी है उसको फैसिलिटेट करते हैं, ईजी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक कार्ट्रिजेस होल्डर सिरिंजेस एंड अ प्रीफिल्ड मेडिकेशन कार्ट्रिज विथ निडल अटैच, ये जो हमारा डिवाइस है वो क्या कंसिस्ट करते हैं, क्या हमारे प्लास्टिक कार्ट्रिजेस होल्डर सिरिंजेस एंड उसके साथ साथ क्या कंसिस्ट करता है, जो हमारे प्रीफिल्ड मेडिकेशन कार्ट्रिजेस होते हैं जिसमें निडल अटैच होती है उसे भी कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, द मेडिकेशन इन कार्ट्रिज इज प्रीमिक्स्ड एंड प्रीमेजर्ड, जब हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं कार्ट्रिजेस के लिए वो क्या होती है, प्रीमिक्स होती है एंड मेजर्ड होती है, देयरफॉर इट सेव टाइम्स एंड हेल्प्स टू इंश्योर एन एग्जैक्ट डोज, ये क्या इसके इससे क्या होता है, ये हमारा जो टाइम है उसको सेव करने में मदद करती है एंड इससे हमारा जो एग्जैक्ट डोज है उसे उसकी इंश्योरिटी भी मिलती है। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑटोमेटिक इंजेक्टर, ये क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है जिसे हमने डिज़ाइन क्यों किया गया है, जो हमारे ड्रग है सिंगल डोज ड्रग उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। Most of the auto injector are spring loaded syringes, जो बहुत सारे जो auto injectors होते हैं वो क्या होते हैं, spring loaded syringes होती है। Next क्या है, these are easy to use and are intended for self-administration by patient or any untrained person.
तो ये क्या होते हैं, ये इजीली हम इसको यूज़ करते हैं एंड ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इंटेंट किए गए हैं बाय पेशेंट। पेशेंट खुद भी इसको एडमिनिस्टर कर सकता है, ये कोई अनट्रेन पर्सन भी है तो वो भी इसको एडमिनिस्टर कर सकता है पेशेंट में, तो इसे इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल पार्ट 4 के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, एंड से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल सके, एंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। एंड स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टीम फार्मा ब्रेन।